हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू सो वेलकम टू जेके टॉपर्स तो यहाँ पे मैं आपके लिए जेके पी बॉर्डर बटालियन के कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ लाई हूँ जो कि हमारे जी के सेक्शन के रहेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दे आर वे आर अबाउट मोर देन प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया ठीक है तो इसमें पूछा गया है हमें कि एट द टाइम इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम यहाँ पे मोर देन कितने प्रिंसली थे कहाँ पर इंडिया में ठीक है तो ऑप्शन इज 400 450 500 या 600 ठीक है तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा यानी कि 500 जो थे यहाँ पे प्रिंसली थे ठीक है नेक्स्ट हमारे पास The Constituent असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम into existence in इन ठीक है तो ये कब आई थी Constituent असेंबली जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है ऑप्शन हमारे पास नाइनटीन फिफ्टी नाइनटीन फिफ्टी वन या नाइनटीन फिफ्टी टू या नाइनटीन फिफ्टी थ्री ये आपके पास ऑप्शन आ गए तो सही आंसर जो है यानी कि नाइनटीन फिफ्टी वन में क्या हुआ था ये कॉन्स्टिटेंट जो असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर में आई थी ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ईयर द री सोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड पास्ड ठीक है तो कौन से ईयर में ये फिर से रिसल्यूशन हुई थी जो ये कॉन्स्टिटेंट असेंबली है यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है तो कौन से ईयर में ये पास हुई थी ऑप्शन हमारे पास नाइनटीन फिफ्टी नाइनटीन फिफ्टी वन या 1952 या 1957 तो आई कब थी मैंने जो आपको बताया यानी कि 1951 में आई थी और ए पार्ट इसका राइट आंसर है यानी कि 1950 में क्या हुआ था रीसोल्यूशन हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ईयर आर्टिकल 370 सेवनटी बिकेम ऑपरेटिव ठीक है तो कौन से ईयर में जो ये आर्टिकल 370 है ये आया था ठीक है 1950 में 1951 या 1952 या 1953, जिस वक्त कांस्टेंट असेंबली क्या हुई थी पास हुई थी रिसोल्यूशन से तो उस वक्त क्या हुआ था हमारा आर्टिकल 370 भी आया था ठीक है तो ये आ हो गया राइट आंसर नहीं सॉरी ये आंसर नहीं है सी पार्ट जो है यानी कि सी पार्ट इज़ दी राइट आंसर ओके नेक्स्ट इज इन विच ईयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टेंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज हेल्ड ठीक है तो कौन से साल में जो पहली मीटिंग थी इस असेंबली की जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी ऑप्शन नाइनटीन फिफ्टी वन नाइनटीन फिफ्टी टू या नाइनटीन फिफ्टी थ्री या नाइनटीन फिफ्टी फोर तो ये आपके पास ऑप्शन है सही आंसर यानि कि ए पार्ट 1951 इज़ दी राइट आंसर यानी कि इधर इस ईयर में क्या हुआ था पहली मीटिंग हुई थी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास विच अमेंडेंट एक्ट द वर्ड्स सदर रियासत ठीक है ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा विच अमेंडेंट एक्ट द वर्ड्स सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर बाय गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली इन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सो so, कौन सा अमेंडमेंट था जो ये रिप्लेस किया था ठीक है यानी कि कौन सा वर्ड था सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर बाय गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर है रिस्पेक्टिवली इन जम्मू एंड कश्मीर ठीक है सो so, कौन सा अमेंडमेंट था ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट सिक्स ट्वेल्थ या एर्ट ठीक है तो ये आपके पास ऑप्शन है सही आंसर जो है यानी कि बी पार्ट अमेंडमेंट जो एक्ट था 1965 में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर केम इन टू फोर्स ऑन ठीक है ऑप्शन इज़ ट्वेंटी अगस्त 1950, फिफ्टी जनवरी 1957 फिफ्टी फिफ्टीन अगस्त 1960 और फिफ्टीन जनवरी 1967 तो सही आंसर जो है यानी कि 26 जनवरी 1957 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट हैविंग 158 सेक्शन डिवाइडेड इनटू ठीक है तो कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ था कितने सेक्शन में ठीक है तो क्या जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं ऑप्शन थर्टीन पार्ट्स में हुआ था फिफ्टीन पार्ट्स में हुआ था सेवनटीन पार्ट्स या ट्वेंटी पार्ट्स तो सही आंसर क्या है हमारे पास यानी कि ए पार्ट थर्टीन पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ था ठीक है नेक्स्ट इज नेम अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच रिप्लेस्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फ्रॉम हंड्रेड सीट्स टू वन हंड्रेड इलेवन सीट्स ठीक है तो कौन सा उसका नाम क्या है उस अमेंडमेंट एक्ट का जो कि जम्मू एंड कश्मीर में यानी कि रिप्लेस था लेजिस्लेटिव असेंबली में जब सीट थी फ्रॉम हंड्रेड से सीट्स वन हंड्रेड इलेवन ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं ट्वेल्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवन या अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवन सेवन या एटीन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी सेवन या ट्वेंटीथ अमेंडमेंट एक्ट 1988 तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट जो है हमारा सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट अ रीजनल लैंग्वेज गोजरी इज़ एडिड इन सिक्स शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सो so, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था ये जो गोजरी लैंग्वेज है ये एड हुई थी ठीक है कहाँ सिक्स शेड्यूल में ठीक है सिक्स शेड्यूल में हुई थी जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर में ऑप्शन इज एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट या ट्वेंटी तो सही आंसर क्या है हमारे पास यानी कि डी पार्ट जो है इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज डिक्लेयर दैट इट शैल बी एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है सो so, कौन से साल में ये डिक्लेयर हुआ था ऑप्शन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी टू ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फिफ्टी सेवन या ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी सेवन तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट जो है तो उस वक्त ये डिक्लियर हुआ था ठीक है नेक्स्ट इज विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड एट मेंबर्स ठीक है इंसर्ट किए थे इसमें कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर का जिस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने एट मेंबर्स इंसर्ट किए थे और सिक्स मेंबर इन किए थे ठीक है तो जो नॉमिनेट करते थे यानी कि स्टेट गवर्नर ठीक है सो so, वो कौन से लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट फिफ्थ या सिक्स या ट्वेल्थ तो सही आंसर जो है यानी कि बी पार्ट जो है इज़ दी राइट आंसर ध्यान से सुनिएगा और लाइक करते रहिएगा और ये साथ साथ में आप शेयर भी करते रहिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पास्ड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसोल्यूशन फोर्टी सेवन ठीक है तो कौन से साल में इसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ ने जो पास किया था यूएनएससीआर ठीक है फोर्टी सेवन ऑप्शन हमारे पास अप्रैल नाइनटीन फोर्टी सेवन या अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट या अप्रैल नाइनटीन फोर्टी नाइन या अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी तो सही आंसर क्या है हमारे पास यानी कि बी पार्ट जो है इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड्स स्पेशल स्टेटस टू दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे दिया है स्पेशल स्टेटस ठीक है ऑप्शन हमारे पास आर्टिकल 371 या आर्टिकल 361 या आर्टिकल 360 या आर्टिकल 370 ठीक है तो स्पेशल स्टेटस के लिए जो आर्टिकल है यानी कि डी पार्ट आर्टिकल थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है

दी लेजिस्टिव असम्बली कैन मेक लॉज क्या करती है ये लॉज बनाती है किसके लिए यूटी के लिए ठीक है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ दी कोई भी मैटर हो ठीक है तो कौन सा है ऑप्शन हमारे पास स्टेट लिस्ट ठीक है कंक्रेंट लिस्ट बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज तो सही आंसर क्या है हमारे पास यानी कि बी सी पार्ट इज़ द राइट आंसर बोथ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव बना असेंबली बनाती है क्या लॉज बनाती है किसके लिए यूटी के लिए यूनियन टेरिटरी के लिए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और बहुत ही इज्जत और ईमानदारी से कोई भी मैटर हो तो ये करती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दी पार्लियामेंट नीड्स दी स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हुई हमारी कॉन्करेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज एक्सेप्ट फॉर ठीक है सो so, किसके सिवा जो ये लॉज हैं ठीक है तो इनको अप्लाई करना होता है ऑफ ऑप्शन है हमारे पास डिफेंस एंड फॉरन अफेयर्स फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव ठीक है तो पार्लियामेंट को जो ज़रूरत होती है स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की ठीक है तो सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन ठीक है सो राइट आंसर जो है यानी कि सी पार्ट जो हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ़ यू टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ दी राइट टू ठीक है उनके पास कौन सा राइट है जो कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर यू टी के हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे जो यू टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सो वो कौन हैं ठीक है तो उनके पास कौन सा राइट है ऑप्शन सुमान द लेजिस्लेटिव असम्बली टू मीट या प्रोरोक दी हाउस या डिजोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली या ऑल ऑफ दी अबव ठीक है तो उनके पास जो हमारे ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके पास हर एक चीज का राइट है ठीक है ए बी 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 और सी ऑप्शन ए बी ठीक है सो so, हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑल सेंट्रल लॉज एंड अदर लॉज ठीक है हर एक जो सेंट्रल के ला हैं और अदर जो बाकी भी हैं इन दी डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वे आर अप्लाइड इन दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सो उनको कहाँ अप्लाई करना होता है स्टेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर है अभी उनको अप्लाई वहाँ पर करना होता है एंड एप्लीकेबल टू दूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ठीक है और अगर उनको अप्ली यानी कि उनको अभी क्या करना पड़ेगा यूटी में अगर उनको एप्लीकेबल होना हो तो उनको शेड्यूल कौन सा है ठीक है सिक्स फिफ्थ एट्थ या नाइन्थ तो सही आंसर जो है यानी कि फिफ्थ इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द यूटी ऑफ लद्दाख वॉज फॉर्म्ड बाई दी बाय फ्यूरिकेशन ऑफ़ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद डैश एंड डैश डिस्ट्रिक्ट अंडर इट ठीक है जो यूटी है हमारी लद्दाख की ठीक है ये बाय प्यूरिफिकेशन हुई थी ठीक है कौन सी स्टेट में यानी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी ऑप्शन इज़ बारामूला ले या अनंतनाग ले या करगिल ले या गेंदरबाल ले तो सही आंसर जो है यानी कि करगिल ले ठीक है तो ये यहाँ की दो डिस्ट्रिक्ट हैं नेक्स्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ठीक है ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है मैंने आपको पढ़ाया है एक बार आपको यानी कि बेसिक फैक्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूटी की जम्मू एंड कश्मीर तो कौन सी लैंग्वेज है ये डरा एंड उर्दू हिंदी एंड इंग्लिश या कश्मीरी या ऑल ऑफ दब तो सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर हिंदी एंड इंग्लिश ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की लद्दाख की नेक्स्ट इज यू टी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर हैड ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ठीक है तो जब इंडिपेंडेंस का टाइम था ठीक है उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में लार्ज पॉपुलेशन किसकी थी हिंदू की सिख की मुस्लिम की या क्रिश्चियन की तो उस वक्त क्या था ज्यादा जो आबादी थी तो वो थी मुस्लिम्स की नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन इन फेवर ऑफ़ द इंडियन यूनियन काफ़ी बार मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ कि कौन से साल में जो डोगरा रूलर थे हमारे हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर के इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया था ठीक है जो कि किसके फेवर में था इंडियन यूनियन के फेवर में तो ऑप्शन हमारे पास अक्टूबर 1947 ईयर में या 1950 में या 1948 नवंबर या मार्च 1961 ठीक है तो कब ये साइन किया था जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सजेशन है तो सही आंसर जो है यानी कि अक्टूबर 1947 फोटी सेवन इज द राइट आंसर नेक्स्ट इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये हमें देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी है जो स्टेटमेंट सही होगी तो वो हमें टिक लगानी है ठीक है तो सही मैं आपको बता देती हूँ सही जो हमारी स्टेटमेंट है यानी कि बी पार्ट जो है इज दी राइट आंसर ओनली वन इज़ ट्रू ठीक है यानी कि फर्स्ट जो है हमारी ये सही है ठीक है यानी कि इसमें लिखा है दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉलो ड्यूल सिटीजनशिप दैट इज सिटीजनशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द मेम्बर ऑफ द कैडेट्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एलोकेटेड इन ठीक है तो मेंबर जो हैं कैडरे के यानी कि फॉरेस्ट सर्विस के ठीक है, है तो ऑप्शन हमारे पास यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ऑफ लद्दाख या अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया या बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी तो सही आंसर जो है यानी कि ए एंड बी इज द राइट आंसर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन दी न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डैश ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एबोलाइज ठीक है तो नई यूटी में जो कि जम्मू एंड कश्मीर की नई यूटी जो है ठीक है तो इसमें कौन सा एबोलाइज हुआ है ठीक है ऑप्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिसलेटिव असेंबली या पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर या नन ऑफ दी अबव तो सही आंसर क्या होगा हमारा यानी कि ए पार्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी विद द अप्रूवल ऑफ द डैश शैल सर्व द नीड्स ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख ठीक है तो यूपीएससी के लिए किसके साथ अप्रूवल करना पड़ता है ऑप्शन हमारे पास प्राइम मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट या नन ऑफ दी अबव तो सही जो आंसर है यानी कि सी पार्ट जो है हमारा यही सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेड बी अपॉइंटेड बाय ठीक है तो जो चीफ मिनिस्टर है हमारे उनको कौन अपॉइंट करता है ठीक है यूटी में ऑप्शन इज जो हमारी यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की ऑप्शन हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या स्पीकर तो सही आंसर कौन सा है हमारा ए पार्ट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक है नेक्स्ट इज द एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज़ अपॉइंटेड बाय दी तो किसके थ्रू वो अपॉइंट होते हैं जो कि एडवोकेट जनरल है जो कि यूटी के ऑप्शन इज लेफ्टिनेंट गवर्नर या उनको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर तो सही जो आंसर है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट द स्टेट इज एंड रिमेन एंड इंटीग्रेल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन सी ठीक है तो कौन सा सेक्शन है ऑप्शन इज सेक्शन वन सेक्शन टू और सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर ठीक है इसमें क्या एक्सप्लेन किया था कि क्या होगा रिमेन एंड इंटीग्रेल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन का तो सही जो आंसर है यानी कि सी पार्ट जो है सेक्शन थ्री नेक्स्ट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स इन ठीक है सो so ये कब एक्ट आया था uh, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में कब आया था ऑप्शन जनवरी नाइनटीन जनवरी नाइनटीन सितंबर 1961 या जुलाई 1963 तो सही आंसर जो है यानी कि बी पार्ट जो है जनवरी 1960 इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज़ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सो कौन इलेक्ट करता है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ठीक है ऑप्शन हमारे पास गुलाम मोहम्मद सादिक मौलाना मसूदी शेख अब्दुल्ला या युवराज कन्वर सिंह तो कौन इलेक्ट करता है ऑप्शन हमने बताए मैंने आपको और सही जो आंसर है यानी कि गुलाम मोहम्मद सादिक इज़ दी राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट करेक्ट अब इनमें से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट सही नहीं है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब आया था नाइनटीन फिफ्टी नाइन में आया था या फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या सिक्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1965 या ट्वेल्थ ट्वेल्थ फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1975 ठीक है तो ये सब सही है जो कि हमारा इसमें करेक्ट नहीं है तो वो ऑप्शन है हमारे पास यानी कि बी पार्ट जो है ये हमारे पास गलत है ठीक है ये करेक्ट नहीं है ठीक है सो बी पार्ट हो गया हमारा राइट right आंसर नेक्स्ट इज़ विध दमेंडमेंट विद द डैश अमेंडमेंट ऑफ दी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डैश द कंसेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी वॉज इंट्रोड्यूज ठीक है तो ये अमेंडमेंट कब किसके साथ इंट्रे, ये इंट्रोड्यूस करवाया था यानी कि यूटी के दौर पे। ऑप्शन हमारे पास सेवेंथ 1956, फिफ्टी सिक्स एट्थ नाइनटीन एट, या सिक्स 1950 या फोर्थ नाइनटीन फोर्टी एट तो सही आंसर जो है यानी कि ये पार्ट जो है यहाँ पे आएगा सेवेंथ आपका और यहाँ पे आएगा नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इज दाइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी फाइव इन सेक्शन फोर्टी एट इन क्लॉसिस वर्स ट्वेंटी फाइव सीट्स रिजर्व्ड फॉर पाकिस्तान आकुपाइड कश्मीर वेयर रिप्लेसड बाई ठीक है तो किसकी जगह पर यह रिप्लेस हुआ, हुआ है जो कि रिज़र्व हुई हैं यहाँ पे पाकिस्तान की सीट्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सीट्स थी ट्वेंटी थ्री सीट्स ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी सेवन सीट्स मैंने आपको बताया कि रिप्लेसड हुई थी ठीक है तो सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट जो है ट्वेंटी फोर सीट्स के द्वारा मतलब ट्वेंटी फोर सीट्स क्या हुआ है यहाँ पे रिप्लेस्ड हुई है ट्वेंटी फोरस के द्वारा नेक्स्ट इज देयर इज़ द डैश ऑफ फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए ठीक है बट आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे कि जबकि मैं उनको बोलती हूँ कि क्वेश्चन नंबर डाल के आप देन मुझे आंसर दीजिए ठीक है तो आपका सही आंसर अगर आप रॉन्ग बताओगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी अगर आप सही बताते हो देन आई विल लाइक ओके तो ये हमारे पास थर्टी सिक्स क्वेश्चन है जो कि आंसर आपको देना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु इशूड दी प्रोक्लेमेशन रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिटेंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो ये किसने इशू किया था प्रोक्लेमेशन किसके एस्टेब्लिश हुआ था ठीक है ऑप्शन गुलाम मोहम्मद सादिक मौलाना मसूदी युवराज करण सिंह या शेख अब्दुल्ला ठीक है तो ऑप्शन दीजिए मुझे ऑप्शन मैंने सॉरी ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको आंसर मुझे बताइएगा साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा जिस जिस क्वेश्चन के आपको आंसर आता है तो आप मुझे वहां पे बताइएगा ठीक है तो सही कौन सा होगा हमारा इसमें आंसर यानी कि सी पार्ट युवराज करण सिंह नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी कौंसिलर ऑफ़ एल ए एच डी सी ले फॉर वेयर आर नॉमिनेटेड बाई दी गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो कितने काउंसलर होते हैं जो कि नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा गवर्नर के द्वारा हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ऑप्शन है वन काउंसलर होता है या टू या थ्री या फोर तो सही आंसर क्या होगा हमारा बताइएगा बताओ बच्चों तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट जो है इज़ द राइट आंसर फोर ओके नेक्स्ट इज़ दी क्यूरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली शेल बी डैश मेंबर और वन टेंथ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दी लेजिस्लेटिव ठीक है सो so, कितने मेंबर होते हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑप्शन हमारे पास फिफ्टीन टेन फोर्टीन ट्वेंटी तो सही आंसर जो है यानी कि टेन इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एम एल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यू टी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट लेस देन डैश इयर्स ऑफ एज ठीक है तो कितनी एज होती है थर्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी वन एक एम के लिए ठीक है जो कि असेंबली के लिए वो एलिजिबल होता है ठीक है ऑप्शन हमने बताए मैंने आपको सही जो आंसर होगा यानी कि ट्वेंटी फाइव इज द राइट आंसर ट्वेंटी फाइव इन की एज right होनी चाहिए नेक्स्ट इज हाउ मैनी कौंसिलर ऑफ एल ए एच डी सी करगिल वेयर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक है सो कितने मेंबर्स कितने काउंसिलर होते हैं इसमें जो कि करगिल करवाती है डायरेक्ट ठीक है इलेक्ट इलेक्शन करवाती है जो कि किसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ ठीक है ऑप्शन ए ट्वेंटी वन ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर ऑप्शन सी ट्वेंटी सिक्स और ऑप्शन डी थर्टी तो सही आंसर है यानी कि सी पार्ट जो है इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आर्टिकल डैश इट इज स्टार्टेड दैट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर ऑफ द सेड यूटी। ठीक है सो so, कौन सा आर्टिकल है ये ऑप्शन टू फोर्टी टू फोर्टी थ्री या टू थर्टी नाइन या टू थर्टी एट तो ये जो आर्टिकल है यानी कि टू थर्टी नाइन जो है हमारा सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द टर्म सदर रियासत वॉज रिमूव्ड ठीक है तो कौन से साल में जो सदर रियासत है ये रिमूव्ड कर दी थी यानी कि ख़त्म कर दी थी ऑप्शन नाइनटीन फिफ्टी फाइव नाइनटीन सिक्सटी फाइव नाइनटीन सिक्सटी नाइन या नाइनटीन सेवनटी वन ठीक है तो ये सदर रियासत कब हटा दी गई थी कौन से साल में तो 1965 जो है हमारा तो तब क्या हुआ था ये सदर रियासत इन्होंने खत्म यानी कि हटा दी थी ठीक है नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉर दी फर्स्ट टाइम द गवर्नर रूल्स वॉज एंड फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो कौन से साल में जो पहले मतलब पहले टाइम क्या हुआ था गवर्नर का रूल चला था ठीक है 1944 में 1947 और 1977 या 1970 तो सही आंसर है यानी कि डी पार्ट जो है इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द लद्दाख ऑटोनोमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट केम इन टू एक्सीडेंस ठीक है तो कौन से साल में ये लद्दाख में आया था ऑटोनोमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट ठीक है ऑप्शन इज नाइनटीन फिफ्टी नाइनटीन सिक्सटी फाइव या नाइनटीन एटी या नाइनटीन नाइन्टी फाइव तो सही आंसर क्या है हमारे पास यानी कि डी पार्ट जो है ज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी लद्दाख ऑटोनोमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल केव इन टू बींग इन ठीक है तो कब आई थी ये करगिल में ऑप्शन हमारे पास टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड टू और टू थाउजेंड थ्री जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ठीक है जिनका आंसर आपने मुझे बताना है तो उस क्वेश्चन के जब भी आप मुझे आंसर बताओगे तो उस क्वेश्चन को आपने नंबर डाल के देन आप मुझे आंसर बताओगे ठीक है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने आपको बताया तो सही आंसर कौन सा हमारा यानी कि टू थाउजेंड थ्री इज द राइट आंसर ठीक है शेयर करते रहिए वीडियो को और लाइक कीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी साथ बेल आइकन कीजिए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डैश ठीक है तो आउट ऑफ विच डैश सीट्स शैल रिमेन वैकेंट फॉर दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पी ओ के ठीक है तो टोटल नंबर सीट्स हमारी कितनी है जम्मू एंड कश्मीर में वो हमें बतानी है और इनमें से कितनी सीट्स जो हैं यानी कि Okay की हैं ठीक है ऑप्शन इज वन ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड से वन टेन ट्वेंटी सेवन ठीक है तो सही आंसर क्या होगा हमारा यानी कि बी पार्ट वन हंड्रेड सेवन जो सीट्स हैं यूटी की ठीक है और जो पीओके की है यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो सीट्स हैं तो वो है हमारी ट्वेंटी फोर ठीक है तो ये हो गया हमारा सही आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज़ द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाती हूँ बट फिर भी आप पता नहीं स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम ये आउट ऑफ सिलेबस है ये आउट ऑफ सिलेबस है बट ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं करवा रही हूँ जब आपके पेपर में पूछा जाएगा तो जब आपको नहीं आएगा तो फिर आप बोलोगे कि मैम नहीं ये पेपर में आया था आया था ठीक है सो so, मैं कोई भी टॉपिक आपको जो करवाती हूँ जो आपके लिए कोई भी वीडियोस लाती हूँ वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है ठीक है मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ ठीक है तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये कब आया था यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन कब हुई थी ऑप्शन हमारे पास सेकेंड सितंबर 1967 सिक्सटी सेवन 1957 फिफ्टी सेवन या 1947 फोर्टी सेवन या सेकेंड सितंबर 1937 थर्टी सेवन तो सही आंसर जो है यानी कि बी पार्ट सेकेंड सितंबर 1957 में ये एस्टेब्लिश हुई थी पब्लिक सर्विस commission next is the ladakh autonomous hill development council lay was created in so ye kab create hui thi? 28 august 1947 ya 28th august 1957 ya 28 august 1985 ya 28th august 1995 तो सही आंसर क्या है हमारे पास यानी कि डी पार्ट जो है हमारा ट्वेंटी अगस्त नाइनटीन नाइन्टी फाइव में क्या हुआ था ये लद्दाख में क्या हुआ था एल ए एच डी सी यानी कि लद्दाख ऑटोनॉमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिल क्रिएट हुआ था लास्ट क्वेश्चन इज दर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज़ ऑफ ठीक है सो so, कितनी देर के लिए ये जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होते हैं तो कितने देर के लिए ये होते हैं ऑप्शन फाइव इयर्स फोर इयर्स सिक्स इयर्स या एट इयर्स तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सही यानी कि सी पार्ट जो है इज द राइट आंसर ठीक है सिक्स ईयर्स ठीक है तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट एम जो कि जीके पर मैंने आपको बताया जे के पी बॉर्डर बटालियन के ठीक है तो ये हमारा जीके का पार्ट था तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए और ये शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना बाय बाय टेक केयर